हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे एनिमे सीरीज शिमोनिता को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमोनिता यह एनिमे सीरीज 2015 में आई थी। इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 20 से 25 मिनट के आसपास का है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो मेरे हिसाब से इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट इस एनिमे सीरीज की सिचुएशन है। तो कहानी कुछ ऐसे सेट है कि 2030 में जापान में बहुत ज्यादा सेंसरशिप हो चुकी है, जिसके कारण काफी सारे वर्ड्स तक बैन हो चुके हैं और हर इंसान के गले पे एक बैंड लगा दिया है, ताकि अगर कोई भी इन बैन किए हुए वर्ड्स को बोलेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। और इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस सीरीज के कैरेक्टर्स, जिनमें से एक सॉक्स नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, और जिस तरह के वो अटैक करती है ना, वो बहुत ज्यादा फनी है। और एक लड़की को लव और सेक्स के बीच का मतलब ही नहीं पता होता, और वो हर समय क्या करना चाहती है वो देखकर आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस एनिमे सीरीज में, और जिस तरह से ये सब इस सेंसरशिप की दुनिया में रहते हैं और इसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो काफी ज्यादा अच्छा है, स्पेशली जिस तरह से सिचुएशन को सेटअप किया गया है और इस सिचुएशन में इन कैरेक्टर्स को डाला गया है, वो देखकर काफी मजा आता है। और जिस तरह के कैरेक्टर्स इस एनिमे सीरीज में हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, और हर एक कैरेक्टर इस सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ ये एनिमे सीरीज बहुत सारे स्टीरियोटाइप पे भी डायरेक्ट अटैक करती है। और जो चीज मुझे इस सीरीज की सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि जिस तरह से सेंसरशिप की प्रॉब्लम को इस एनिमे सीरीज में दिखाया गया है, क्योंकि सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एनिमे सीरीज कोई मास्टरपीस हो, इस एनिमे सीरीज में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये एनिमे सीरीज बोरिंग और बकवास लगे, लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस सीरीज की कॉमेडी आपको हिट करेगी। और अगर हम एनिमेशन की बात करें तो इस सीरीज का एनिमेशन कमाल का है, और जिस तरह से एनिमेशन की हेल्प से कॉमेडी क्रिएट की गई है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और अगर हम इसके म्यूजिक की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये एनिमे सीरीज कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन ये सीरीज बहुत फनी तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। तो मेरी तरफ से तो ये एनिमे सीरीज पूरी तरह से रिकमेंडेड है, और मैं चाहूंगा कि आप ये एनिमे सीरीज जरूर देखो। और अगर आपने ये एनिमे सीरीज देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।